ये है कि मेरे लिए नेतागिरी की असल बात परिभाषा थोड़ी अलग है, जिस वजह से काफ़ी लोगों से मेरा मतभेद भी होता है, क्योंकि मेरे लिए नेतागिरी का मतलब है कि अगर मैं अपने लोगों की मदद ना कर पाऊँ तो ऐसी नेतागिरी मुझे। नमस्कार, मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, आज प्रयागराज के विकासखंड बहरिया ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बहुत सारी हस्तियाँ भी शामिल हुई। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आज इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया जी के पुत्र वैभव करवरिया जी इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि होली का त्यौहार कैसा रहा और जो आपकी गतिविधियां वो क्या कुछ चल रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी। होली के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आपके पूरे परिवार को सत्य लाइव टीवी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। इस बार मुझे पहली बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ यहाँ फूलपुर लोकसभा में आने का, बहरिया में अपने लोगों के बीच आने का। अच्छा, मैं पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर रहा, इस वजह से संपर्क थोड़ा यहाँ के लोगों से कम रहा, लेकिन ये होली मेरी पहली अपने लोगों के साथ, सबके साथ मैंने बिताई, तो मुझे बहुत आनंद आया। बहुत बड़े लोगों का मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद सब कुछ बहुत प्राप्त हुआ। तो होली का त्यौहार इस बार हम लोगों का बहुत अच्छा गया। आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके होली अपने लोगों के साथ बिताता रहूँगा और होली इसी तरह अच्छी। फूलपुर लोकसभा आपके पिता की ये एक बहुत ही उपलब्धि वाली सीट है, उन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार ही उन्होंने विजय प्राप्त की। तो आज अपने पिता के उस क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों का कैसा सहयोग और साथ मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और ईश्वर से यही कामना करता हूँ। कभी कभी बहुत गौरवशाली भी महसूस करता हूँ अपने आप को कि जिस हिसाब की मेरे पिताजी का कार्यकाल रहा, लोगों ने उनका बहुत साथ दिया, उनका बहुत सम्मान किया और वो जीत पूर्णता उनकी पूरी तरीके से उनकी जीत थी। लोगों ने उनको बहुत समर्थन बहुत प्यार दिया। पिताजी हमारे बसपा से यहाँ से सांसद थे, बसपा लोकसभा आज तक कभी फूलपुर से कभी नहीं जीत सकी। तो इस तरह मतलब जिस हिसाब से लोगों ने उनको प्रेम और साथ देकर के उनको जिताया और पहली बार बसपा को भी यहाँ से विजय बनाया, तो बहुत ही सराहनीय बात है। वैभव, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या कुछ पढ़ाई की है, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। मैंने अपना स्कूलिंग जो भी करी है वो इलाहाबाद से ही करी है, टैगोर पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। हालांकि मैं अपने स्कूल कैप्टन भी था, हेड बॉय था। उसके बाद मैंने मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ करी, वहाँ से ग्रेजुएशन वहाँ से किया। अभी हाल ही में मैंने LLB AU से डाल रखी है, वो मेरी LLB साइड बाय साइड चल रही है। अपना व्यापार देख रहा हूँ, काम देख रहा हूँ। नेतागिरी में मेरा आने का हालांकि अभी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे लिए नेतागिरी की असल बात परिभाषा थोड़ी अलग है, जिस वजह से काफ़ी लोगों से मेरा मतभेद भी होता है। क्योंकि मेरे लिए नेतागिरी का मतलब है कि अगर मैं अपने लोगों की मदद ना कर पाऊँ तो ऐसी नेतागिरी मुझे चाहिए नहीं। क्योंकि अगर कोई आदमी मेरे पास अपने काम के लिए आता है या कोई मेरे पास आ रहा है कि मैं उसके लिए कुछ मदद कर सकूं और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं उस जगह पे बैठ के, तो ऐसी नेतागिरी मुझे पसंद नहीं। तो इस वजह से अब चल रहा है अभी। आज जो राजनीति का जो एक माहौल देखने को मिल रहा है, जो राजनीति करने का लोगों का तरीका चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का आज का माहौल है राजनीति का? राजनीति के विषय में यही कहना चाहूँगा कि हालांकि बहुत ज़्यादा अनुभवी तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितना देख रहा हूँ कि पहले नेता अपने तेवर पे काम कराया करते थे, क्योंकि नेता सही हुआ करते थे, अपने लोगों के लिए काम के लिए बोला करते थे, अपने तेवर पे काम कराते थे, और अब नेता काम नहीं करा पा रहे हैं उस तरीके से। अच्छा, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने लोगों के लिए नेता को बोलना चाहिए, अपने लोगों के लिए नेता को आवाज़ उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। हालांकि भाजपा सरकार इस बार जिस हिसाब से आई है, जिस फॉर्म में काम कर रही है, बहुत अच्छा इनका कार्यशैली रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ विधायक हैं, कुछ नेता हैं जो एक तरीके से कहा जाता है ना कि उनको राजनीति मेहनत से नहीं मिली है। हर नेता को ज़रूरी नहीं है कि उसने मेहनत करी हो, घिसा गया हो तब वो हो। तो कुछ लोगों को मिल गई है तो उनको उसकी कद्र नहीं है, इस वजह से उसको। आपके परिवार की भी एक राजनीति में एक लोगों का मानना है कि आपका रसूख है, एक अपनी पहचान है, अपनी एक उन्होंने बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद है, तो क्या आप अपने पिता की उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं?
नहीं, पहली बात तो दोनों बातें बहुत एक जैसी हैं कि अगर आपको एक अच्छा नेता बनना है तो मेरे लिए शिक्षा उसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप कोई एक काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपका उसमें होना चाहिए। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो पूर्ण तरीके से आपको अपनी शिक्षा पर फोकस रखना चाहिए। फिर अगर आप नेतागिरी पर आ रहे हैं तो पूर्णता उसमें फोकस रखना चाहिए। तो ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल हाँ आगे इसमें विचार करूँगा, क्योंकि अपने लोगों के बीच जुड़ा है। लेकिन अभी तो फिलहाल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, क्योंकि 8 साल का गैप हो गया है पिताजी, लोगों के राजनीति में थोड़ा सा जो गैप हो गया है उसको भर सकूं, जो अपने पुराने लोग जो पीछे छूट गए हैं या जिनसे थोड़ा सा एक, क्योंकि जब आप किसी से बहुत समय से नहीं मिलते हैं तो एक बातचीत ना होने के कारण से एक रिश्ता आपका थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। तो अपने लोगों से मिलता रहूं, अपने लोगों से मिलता रहूं, और फिर अगर लोगों का साथ रहेगा, लोगों का राय रहेगा, क्योंकि नेता आप अपने डिसीजन से बनते नहीं हो, जनता आपको बनाती है। जिस तरह का पिछले कुछ सालों से आपके पिताजी भी राजनीति से मजबूरियों के कारण जिस तरह से अंदर जेल में हैं वो, और आपके पूरे परिवार को देखा जाए, तो क्या आप लोग अपने उस जो आपकी पहचान थी उसको बचाने के लिए आप लोग भी राजनीति में उतरने की संभावनाएं हैं पूरी? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा कि कहा कि राजनीति उतरना डिसीजन सिर्फ आपका नहीं होता है। आप सोच लो कि आपको नेता बनना है, आप नेता बन जाओ, ये नहीं होता है। आपको जनता नेता बनाती है, आपके लोग आपको नेता बनाते हैं। लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का आग्रह रहेगा तो बिल्कुल उसको आगे आकर के आया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का राजनीतिक रूप से कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा कि हमें राजनीति, हम कोई पद के लोभी हैं, हमें पद का लोभ नहीं है कि हम सांसद बने, हम विधायक बने। हम लोग राजनीति में रहे हैं आज से नहीं, हमारा परिवार 2 पीढ़ी से रहा है। हमारे बाबा राजनीति रहे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हमारे पिताजी लोग लड़े, चाचा लड़े। तो हम राजनीति से पद के लिए हमने नहीं लड़ा, हम राजनीति करते हैं ताकि अपने लोगों की सेवा कर सकें। ये हम लोगों के लिए एक तरीके से सोशल सर्विस का वे बन सके, एक जरिया बन सके, ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें, उनका काम करा सकें, एक उनसे ज़्यादा अटैच हो सकें। तो बिल्कुल वो तो एक समय की बात है, आगे उसको देखेंगे कि उसको किस तरीके से। अच्छा, योगी सरकार ने जो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्रवाई की है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त एक्शन लेना, किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाला जो समय है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति के लिए भविष्य बेहतर है, या फिर ये फिर एक कोरे कागज पे एक शब्द है? बहुत बढ़िया है। पहली बार, मतलब मैंने, हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो है नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूपी में कोई मुख्यमंत्री आया जो बहुत दमदार है, जो डिसीजन लेता है और उसमें एक्शन लेता है एकदम बेबाक होकर के, जिसके लिए सही और गलत के बीच में कोई वो नहीं है, या तो आप सही हो या तो आप गलत हो, और जो गलत है उसके साथ उनका जो एक्शन है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है, अलग अलग मान्यताओं के लोग होते हैं, आपको पता ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, लोगों की अपने एक अलग सोच होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अब तक कार्रवाइयाँ हुई हैं वो एक विशेष लोगों पर हुई हैं, और जिस तरह की योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है सामान्य सभी अपराधियों के खिलाफ एक सख्त एक्शन की, जिस तरह से भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर अपराधी हैं तो अपराधियों की सूची जारी की जाए, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार का डिसीजन है, सरकार इसमें क्या करती है, सरकार सूची जारी करती है नहीं करती है, वो पूर्ण तरीके से सरकार और ब्यूरोक्रेट्स का डिसीजन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि जिस हिसाब से योगी जी, हमारे जो भाई स्टेट के जो हमारे सीएम हैं, उनका जिस हिसाब से एक्शन लेने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। आपको एक तरीके से लगता है, मतलब हम लोगों को ये फील होता है, जो हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों को ये चीज़ लगती है कि नहीं यार, हमारा मुख्यमंत्री दमदार है जिस हिसाब से उनका एक्शन लेने का तरीका है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और योगी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनकी जो बात है सबसे अच्छी बात यही है, और यही उनको अलग बनाती है हर जगह से। तो अभी आप फिलहाल यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम में आपकी किन लोगों से मुलाकात हुई, और क्या कुछ पुराने संबंध निकल के आए? बिल्कुल, बहुत पुराने संबंध निकल के आए, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। हालांकि शशांक भैया से मुलाकात हुई, प्रमुख जी हैं, जो शशांक भैया यहाँ से प्रमुख हैं, लेकिन शशांक भैया से मेरे कोई व्यक्तिगत मेरे संबंध नहीं है। शशांक भैया के पिताजी से मेरे पिताजी के संबंध हैं, और वो ऐसे संबंध हैं कि जैसे दोनों भाई हैं। तो शशांक भैया से हम लोगों के संबंध आज के नहीं, पारिवारिक संबंध हैं। रवि शुक्ला दादाजी से मुलाकात हुई, गणेश शुक्ला जी से मुलाकात हुई, तो कई जितने अपने पुराने लोग जो मेरे पिताजी के सहयोगी रहे हैं, जो उनकी टीम रही है पूरी, उन लोगों का जिस हिसाब से मुझे गाइडेंस प्राप्त होता है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके लिए और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत प्यार मिलता है, बहुत साथ मिलता है, और उसके लिए मैं अपने आप को खुदकिस्मत समझता हूँ कि ये मेरी किस्मत। तो अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने LLB में दाखिला लिया है? जी लिया। अभी पहला वर्ष है? जी पहला वर्ष। तो
देखिए ये थे हमारे साथ में वैभव करवरिया जी, कपिल मुनि करवरिया जी, जो कि फूलपुर लोकसभा के सांसद रहे, उनके पुत्र हैं। और इन्होंने कहा कि जो पिछले कुछ सालों से मेरे पिताजी के राजनीति में जिस तरह की सक्रियता होनी चाहिए थी, क्योंकि जेल में है वो इस वक्त, तो उनके ना रहने की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप था उनके अपने लोगों में, उस गैप को भरने के लिए वैभव करवरिया ने भी एक कदम उठाया है। और वो चाहते हैं कि हमारी जो पिता की विरासत है, जो राजनीतिक पकड़ थी, लोगों में अच्छा संबंध था, उस संबंध को बनाया जाए। तो इस वक्त प्रयागराज के विकास खंड बहरिया ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के आवास पर उपड़ौरा में पहुंचे हैं, जहां पर आज होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम में ये सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सत्य लाइव टीवी से इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपने विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इस वक्त आप सब देख सकते हैं। और हमारे साथ में इस वक्त बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आप लोगों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वैभव करवरिया। आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहे, और चैनल को लाइक शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।